जी सेन सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। और आज फिर से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हम जैसे हम हमेशा ब्लॉग बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं खाने के लिए जाते हैं, और ज़्यादा करके नॉनवेज ही खाते हैं। वो कहते हैं ना कि पैसा खर्च करके वेजिटेरियन कौन खाता है यार। लेकिन अभी नवरात्रा चल रहा है, तो नवरात्रा में वैसे तो यहाँ पे लोग पूरा खाते हैं दबा के। बंगाल में वो मीट मछली पूरा दशहरा पर पूरा फुल चलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ना किसी भी पूजा में, किसी पूजा पाठ में, किसी भी त्यौहार में मीट मछली खाया नहीं जाता है। तो इसलिए अब हम तो खा नहीं पाएंगे, तो जाएंगे कहीं पे कुछ भी देखेंगे, वेजिटेरियन तो खाएंगे। वैसे भी वेजिटेरियन जल्दी मिलता नहीं है इधर, और कहा जाता है कि रेस्टोरेंट में और जहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों मिलता है, तो वहाँ पे जिस पे मीट काटता है उस पे पनीर भी काट देता है उसी जगह पे, तो एकदम शुद्ध होता नहीं है। तो प्योर वेज कोई रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पे जाकर खाएंगे, या फिर कुछ भी इधर उधर का स्ट्रीट फूड ले लेंगे, और देखते हैं फिर आगे निकलते हैं, और देखते हैं आज रास्ता कहाँ ले जाता है। कि कहीं प्लान नहीं किए कहाँ जा रहा है, कहीं कहाँ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं। तो अभी निकलते हैं, रूम बंद करते हैं, और हमको टकला देख के ये मत सोचिए कि हम खूबसूरत नहीं लगते हैं, हम बहुत हैंडसम हैं, वैसे दिखता नहीं है लेकिन। तो अभी निकल तो गए घर से, बाइक वाइक कुछ बुक नहीं किए क्योंकि पता होता है कहाँ जाना है तो बाइक बुक करे। तो अभी निकलेंगे यहाँ से, रिक्शा लेंगे और VIP पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे। एक रिक्शा मिल गया है, निकल रहा है VIP में। अब VIP से एक्चुअली वहाँ से हर जगह का बस या फिर ऑटो कुछ कहीं मिल जाता है, तो वहीं से बस या ऑटो लेके कहीं निकलेंगे, जहाँ निकल जाए। फाइनली भाई हम यहाँ अभी श्री भूमि में है, लेकिन हम क्लॉक टावर पार करने के बाद है। और एक्चुअली हम ऑटो वाले से पूछे कि यहाँ पे कोई घूमने का जगह है, तो बोला कि श्री भूमि का पंडाल है। अच्छा सर, तो अभी ये अंडरग्राउंड बीच को क्या बोलते हैं यार, सबवे, तो सबवे में पार कर रहे हैं। अभी जैसे निकल के जाएंगे तो भाई इधर यहाँ पे पेंटिंग बहुत अच्छा लगा हुआ है, ये विक्टोरिया मेमोरियल का है। तो ऐसा चीज पता नहीं बिहार में देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है भाई। तो श्री भूमि पंडाल आ गए भाई, यहाँ पे बहुत कुछ करे हैं। ये देखिए पीछे पुलिस का पूरा मकान है, अब आगे का आपको सीन दिखाते हैं। यहाँ अभी से ही बहुत भीड़ है, आगे दिखा देते आपको। बहुत टाइम लगने वाला है भाई, चींटी की तरह धीरे धीरे खिसक रहे हैं सब कोई, और इतना भीड़ है कि क्या ही बताऊं। और ये एग्जिट पॉइंट है, वैसे ये भी काफी खूबसूरत है। यार देख के निकल तो गए लेकिन मन नहीं भरा अभी तक, इतना वहाँ पे लोग, मतलब पुलिस वाले और क्लब वाले थे ना, लगातार सीटी बजा रहे थे, और देखते जाओ निकलते जाओ, रुकने का कोई चांस नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में होता है कि आप रुक के पूजा वूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा वगैरह चढ़ाते हैं, सब कुछ नहीं। देखो निकलो, देखो निकलो, हो गया। लेकिन इतना भीड़ क्या, अब क्लब वाले भी क्या करेंगे, इतना भीड़ था ना। अब वैसे भूख लगा है, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, देखो कहाँ पे मिल रहा है कुछ। लेकिन बहुत ही खूबसूरत पंडाल था, ऐसा पंडाल मैंने आज तक नहीं देखा लाइफ में।
तभी तो कोलकाता इतना फेमस है दुर्गा पूजा के लिए। यहाँ एक चाविरिंग वाले अंकल के पास आए हैं, ये चाविरिंग बना रहे हैं। तो आप ये सिर्फ मेला में लगाते हैं या फिर हमेशा, मतलब कहीं दुकान भी है? मेला में ही लगाते हैं। इस पे आप होम लिख दीजिए, स्वीट होम कर दें। हाँ स्वीट होम कर दीजिए। ऐसे ही कोलकाता को दुर्गा पूजा के लिए इतना फेमस नहीं कहा जाता है, आपको यहाँ पे हर चीज मिलेगा, ज्यादा करके खाने का स्टॉल आपको मिलेगा, क्योंकि और नॉनवेज भी, वो भी जैसे हम पहले ही बताया कि हम तो नॉनवेज खा नहीं सकते, हमारे बिहार में किसी पूजा में या किसी भी तरह के पर्व त्योहार में खाया नहीं जाता है तो न, लेकिन यहाँ पे आपको ये इधर देखिए वो तो देख रहे हैं स्टॉल चिकन कबाब वगैरह सब कुछ अलग होगा। बाकी कुछ सामान लिए हैं, एक तो चाविरिंग लिए हैं और एक लाफिंग बुद्धा लिए हैं, 30 रुपये में दिया है, और वो हमारा बचपन का यार बुद्धा वाला बंदूक लीजिए, पुद्दा फोड़िए, निशाना एक भी नहीं लगता था मेरे से। ये रहा लंदन का क्लॉक टावर, भाई गॉड की कसम ये भीड़ देखिए भाई यार, ये बिना प्लान के ब्लॉग में ये होता है, पता ही नहीं है कहा जाता है यार, इतना लाइव करा हो गया मेरा ऑटो बस कुछ नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसे पैदल पैर भी दुख रहा है, ऊपर सकल दिख रहा है अंधेरा में, दिख रहे हाँ दिख रहे हैं और टकले पे थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, उधर दिख रहे हैं हम, ये काला कलूटा आदमी भी दिख नहीं रहा अंधेरा में, क्या कर रहे जाम लग गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑटो या बस में अच्छा है पैदल ही चलो, आगे लड़की है अच्छी। तो बहुत देर के बाद एक ऑटो मिला है, आ गए किस्टोपुर के सौवे में और अब जा रहे हैं घर कुछ खा लेंगे, प्योर भेज रेस्टोरेंट मिला ही नहीं उधर खाए, ऑटो भी बहुत मुश्किल से मिला है। तो ये ब्लॉग को इसी पे ख़त्म करते हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय बाय, लव यू।